एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर माही गौतम क्लिनिक से। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और डाइटिशियन भी हूँ। तो मैं आज आपको कुछ हेल्थी डाइट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप घर पर ही अपनी कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे जो कि आपको खाने के टाइम पे नहीं मिल पाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सीड्स का इस्तेमाल हम कैसे करें, सीड्स के फायदे क्या हैं, सीड्स को किस तरह से खाया जा सकता है, सीड्स खाने से क्या जो चीज़ें हमारी स्किन को चाहिए वो मिल जाएंगी। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो आप स्किन पे कई तरह के प्रोडक्ट लगाते हैं, स्किन पे कई तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, बट रिजल्ट कितना मिलता है ये तो आप भी जानते होंगे। रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है। तो जितना आप बाहर से अपनी फेस को अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, केयर करते हैं, अगर आप इतना ही अंदरूनी उसको ठीक करने की कोशिश करें तो ये जो प्रोडक्ट में हमारे इतने सारे पैसे बर्बाद होते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, तो यकीनन आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। सीड्स बहुत ही अच्छी होती हैं। सीड्स के अंदर ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं आपकी बॉडी के लिए। जाहिर सी बात है कि हमें फाइबर नहीं मिल पाता क्योंकि हम उस तरह का जो भी खाना खा रहे हैं इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, हमें फाइबर नहीं मिल पा रहे तो डाइजेशन में दिक्कत आती है, तो कई तरह की पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, एलर्जीज कई तरह की बनती है जब स्टमक में प्रॉब्लम्स आती हैं। ओमेगा 3 हमें नेचुरली नहीं मिल पाता है तो हमें इंटेक ही करना पड़ता है, जिसमें कई लोग वेजिटेरियन हैं तो वो नॉनवेज नहीं खा सकते, तो आप सीड्स का इस्तेमाल करके ओमेगा 3 अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं। सीड्स में सबसे पहले आती है फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सब्जा सीड, तिल आते हैं, सफ़ेद वाले तिल आते हैं, काले वाले तिल आते हैं, पम्पकिन सीड्स होती हैं, सनफ्लावर सीड्स होती हैं। सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत अच्छा रखते हैं, स्किन तो ठीक करेंगी करेंगी, मेल एंड फीमेल दोनों की सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत अच्छी रखती है। तो आप पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इन्हें कितना आपको लेना चाहिए, अगर आप सारी ही सीड्स की बात करें और सबको मिक्स करने के बाद अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूँ तो आप 2 टीस्पून ही आप दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें 24 घंटे तक, फिर नेक्स्ट डे आप ले सकते हैं, लेकिन 2 स्पून ही लेना है सबको मिक्स करने के बाद। आप पर्टिकुलर सिर्फ एक ही सीड्स खाते हैं तो भी आप सिर्फ उसका 1.5 स्पून ही पूरे दिन में लें, उससे ज़्यादा ना लें। अब इनको खाया कैसे जा सकता है, इजीली फॉर्म क्या है, फ्लैक्स सीड्स को आप रात भर भिगो दीजिए पानी में, गुनगुने पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो थोड़ी सी फूल जाएगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको ऐसे पी भी सकते हैं, या तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, या आप स्मूदी में मिला लीजिए, आप दही में मिला लीजिए, आप अपने खाने के किसी भी जिसमें थोड़ा तीखापन है या फिर मीठी चीज़ें किसी में मिलाओगे एडजस्ट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चिया सीड्स की बात करते हैं, रात भर इसे भी पानी में भिगो के रखिए तो ये थोड़ी फूल जाती है, बहुत अच्छी सी हो जाती है, इसे भी आप स्मूदी में मिला सकते हैं, दही में मिला सकते हैं, आप खाने की किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं, शेक में मिला सकते हैं, आप उसके थ्रू बस ये मतलब पेट में जानी चाहिए, तो एक तरीके से आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। आप अगर भिगो के नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, चिया सीड्स को ऐसे रोस्ट नहीं करते हैं, फ्लैक्स सीड को रोस्ट करना पड़ेगा, उसे पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप दूध में मिलाएं या फिर आप शेक में मिला लीजिए, दही में मिला लीजिए, बट लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं डायरेक्टली, आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, बट खानी आपको 1 से 2 स्पून ही है पूरा दिन में, उससे ज़्यादा ना खाएं। फिर आप रिजल्ट देखिए, आपकी स्किन इतनी अच्छी होने वाली है, आपको जाहिर सी बात है फाइबर मिल रहा है, आपको ओमेगा 3 सकते हैं, डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।